हेलो गाइस, तो फिर मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और DIY के साथ। तो इस बार मैं बनाने वाली हूँ कुछ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो दो कपड़े हैं, ये एक 2.5 मीटर का है और एक 2.75 मीटर का, और मैं बनाने जा रही हूँ इसे साड़ी। तो इसमें बहुत सारे कान थी इस तरह से, तो मैंने इस तरह से इस कपड़े की कान निकाल ली है सारी, और फिर इस कपड़े को रखा है इस कपड़े के ऊपर, क्योंकि वो वाला जो कपड़ा है ना, शिमर वाला, और वो बहुत स्ट्रेची है, स्ट्रेचेबल है, उसका अर्ज बहुत ज़्यादा था। तो जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगा दोनों साइड से, चौड़ाई से भी और लंबाई से भी, मैंने दोनों तरफ से इसको कट कर लिया। और जो इसमें ये पट्टी सी दिखाई दे रही है ना, ये स्ट्रेचेबल कपड़े में ये भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं इसको भी निकाल दूंगी इसमें से। तो बस एक को ये ऊपर एक रख दिया और मैंने 2.5 मीटर ये दोनों कपड़े हो गए, और इनकी साड़ी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसकी चौड़ाई से और लंबाई से दोनों से काट लिया, जो स्ट्रेचेबल कपड़ा था उसको, शिमर वाला, और इसके बराबर कर लिया। अब ये देखिए, ये दोनों कपड़े एक बराबर हो गए। अच्छा, अब मैंने इन दोनों की सिलाई करने की कोशिश करी बट नहीं हो पाई, क्योंकि जो स्ट्रेचेबल कपड़ा था उससे जब मैंने ये जॉर्जेट का कपड़ा सिलने की कोशिश की तो वो एकदम चौड़ा हो गया, नहीं हो पाया। तो मेरे को कुछ तो जुगाड़ करना ही था, मुझे एक अच्छी सी साड़ी बनानी थी। तो सबसे पहले मैंने इस पर एक लेस लगाई, मैंने चारों तरफ ये जॉर्जेट का जो कपड़ा था इस पर लेस लगाई, और जो लेस थी उसके ऊपर मैंने मोती वगैरह की इस तरह से एक लटकन सी बना के लगा दी चारों तरफ। ये मैंने, सॉरी, चारों तरफ नहीं करा, दोनों साइड्स पे करा। अब अभी आप देखेंगे, जब आप आगे देखेंगे मैंने किस तरह से कहाँ कहाँ लगाई है। ये दोनों कॉर्नर्स पे लगाई है एक्चुअली, है ना। तो इस तरह से मैंने इसमें से मोती और लेस लगा के, लेस मैंने चारों तरफ लगाई है, और ये जो मोती हैं वो पल्लू में नीचे गिरेंगे और आगे की तरफ आएंगे, किस तरह से आप देखना आप। और मुझे बांधना कैसे है इस साड़ी को, ये साड़ी बांधी है हमारी दो पोर्शंस में। तो जो पहला पोर्शन मैंने ये वाला जो स्ट्रेचेबल कपड़ा था वो इस तरह से, उसको नॉर्मल जिस तरह से हम साड़ी बांधते हैं, इस तरह से मैंने इसको ड्रेप कर लिया है। और उसके बाद मैंने क्या किया, वो जो हमारा दूसरा फैब्रिक था उसको, ये देखिए, ये वाला जो फैब्रिक था मैंने इस तरह से इसमें दो तरफ ये मोतियों वाली लेस लगाई है और चारों तरफ नॉर्मल लेस लगाई है। तो इस तरह से मैंने इसको टक कर लिया एक कोने को, और इस तरह से ये दूसरा लेके, और ये हो गया शोल्डर पे। तो अब हमारी मोती कहाँ आई, एक तो ये फ्रंट में आ गई लेस के साथ में, जो मोती वाली हैंगिंग्स लगाई हैं, और एक हमारी ये पल्लू में आ गई पीछे की तरफ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं इतने दिनों से DIY कर रही हूँ बट मेरी मम्मी को इतना कुछ खास पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनको साड़ियाँ बहुत पसंद है। ऊपर से जब मैंने ये साड़ी बनाई तो उनको बहुत ही पसंद आई, और आप बिलीव करेंगे, ये साड़ी मेरे ख्याल से मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 250 या 300 रुपये लगे। मैं बहुत सस्ते में, मुझे ये कटिंग में पीसेस मिल गए थे फैब्रिक के, तो वो मैं ले आई, और मोती वगैरह मेरे पास थे, और हाँ बस लेस लेके आनी पड़ी मेरे को, बट मतलब बहुत सस्ते में काम हो गया और बहुत ही सुंदर साड़ी बनी। मैंने इसको भैया दोज पे पहना था और जिसने भी देखा सबको ही बहुत ही अच्छी और स्टाइलिश लगी। अच्छा, अभी इसका एक और पार्ट आएगा। अभी मैंने इस साड़ी को इस तरह से ड्रेप किया हुआ है, ये मेरा एक स्टाइल है। अभी इसी साड़ी को मैं दूसरे स्टाइल में भी बनाऊंगी। अगर मैं एक ही वीडियो में दोनों बना देती तो बहुत लेंथी हो जाती। और ये मेरी सैंडल, ये भी मेरी DIY है। अगर आपको जानना है कैसे बनाई तो आप मेरा चैनल चेक कीजिए, आपको मेरी सैंडल की वीडियो भी मिल जाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे अभी, और ये पर्स पर्ल वाला, ये भी मेरा DIY है, ये भी मैंने खुद बनाया है। अगर आपको चाहिए मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज़ जाके मेरी वीडियो देखिए। मैं रोज़ DIY करती हूँ, मैं रोज़ कुछ ना कुछ बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये दूसरी स्टाइल में मेरे को ये साड़ी, मैं किस तरह से इसको ड्रेप करूँगी उसका वीडियो भी मैं जल्दी से जल्द बनाऊँगी। और आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको देखनी है या नहीं देखनी है। तो ये देखिए, ये साड़ी सीरियसली बहुत सुंदर लगी और इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरह से दो पीसेस को जोड़ के मैंने ये साड़ी बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।